सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी या सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित सबसे पहले किस रियासत ने किया था? तो सबसे पहले बूंदी रियासत के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य बालिका नीति का राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी 24 जनवरी 2013 को विमोचन किया गया था। बालिका नीति जारी करने वाला देश में राजस्थान कौन सा राज्य था? तो बालिका नीति करने वाला राजस्थान जो है वो पहला राज्य है, तो ए का आपका राइट आंसर। राजस्थान में बंधुआ मजदूरी को और क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूरी को हम सागड़ी प्रथा भी कह देते हैं। अगला है कि शिशु के जन्म से पहले कितने संस्कार किए जाते हैं? टोटल 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में से 3 संस्कार बच्चे के जन्म से पहले होते हैं। अगर आप इनके नाम कॉमेंट करके बता सकते हैं तो बता दीजिए। अगला है कि मृत बांडों पर मोर और गिलहरी के चित्र है वो कहां से देखने को मिलते हैं? ये हमें आलमगीर के जो मृत बांड मिले से उन पर मोर और गिलहरी की चित्रकारी थी, तो सी आपका सही है। अगला है किस अभिलेख में अशोक के राज्यारोहण के 13वें वर्ष के बाद में दम महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख है? दम महामात्र नियुक्ति का उल्लेख है वो 5वें शिलालेख में आता है, बी आपका सही है। और हर्ष के समय मुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? उपरिक महाराज कहते थे उसे, तो बी आपका सही है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ था और उसमें पहली बार किसी भारतीय महिला ने अध्यक्षता की थी यानी सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, ये 25वां अधिवेशन यानी 1925 में ये कहां पर हुआ था और ये अधिवेशन कहां पर किया गया था? तो ये कानपुर में, यानी सी आपका राइट आंसर। वैसे राजस्थान कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट है 1917 में, लेकिन पहली भारतीय महिला है वो सरोजनी नायडू है 1925 में, तो सी आपका राइट आंसर। चलिए आपको बताना है कि संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या शामिल है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शामिल है, समाजवादी ये भी शामिल है, पंथ निरपेक्ष ये भी शामिल है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये भी शामिल है। राजतंत्रीय प्रशासन नहीं है, यानी ए ब स द चारों सही है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही आंसर। अगला है कि राज्य के मुख्यमंत्री की जो स्थिति होती है वही स्थिति केंद्र में किसकी होती है? तो केंद्र में जैसे प्रधानमंत्री हैं वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? केरू नदी पे, तो बी आपका सही है। अगला है कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 12 का? तो ऑस्ट्रिया में राइट आंसर आपका सी। अगला है कि 9 डिग्री चैनल है वो कहां पर स्थित है? 9 डिग्री चैनल ये कहां पर है? कवारती और मिनिकोय के बीच में आता है, यानी एक नंबर आपका राइट आंसर। और 14 कि केओलिन तत्व की अधिकता के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? तो केओलिन की वजह से लेटेराइट मिट्टी सफेद हो जाती है, सी आपका सही है। तुंगभद्रा परियोजना है वो कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तुंगभद्रा परियोजना आती है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, एक आपका सही। चलिए मार्बल की किस्म है और प्राप्ति स्थान है तो मिलान करना है। हरा मार्बल कहां से मिलता है? तो ऋषभ देव जी से, तो पहले में 4 आना चाहिए तो 3 नंबर कट हो गया है। पीला मार्बल कहां से मिलता है? तो पीला मार्बल आपका मिलता है जैसलमेर से, तो दूसरे में 1 आना चाहिए तो दूसरे में 1 में ए भी कट हो गया। फिर नीला मार्बल है, नीला मार्बल मिलता है देसूरी में यानी 3 में 2 आना चाहिए, तो बी में भी नहीं है, सी में 2 है। और सफेद मार्बल मकराना से है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी मंदिर को मुस्लिम धर्मावलंबी है वो किस नाम से जानते हैं? तो कलय पीर कहा जाता है, यानी सी आपका सही है। अगला है कि वेश्याओं का मंदिर किस मंदिर को कहते हैं? तो नेमिनाथ जी के मंदिर को कहते हैं, और ये मंदिर है कहां पर कमेंट करके बता दीजिएगा जरूर। अगला है कि 38 वर्ष की अल्प आयु में किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता कौन रहे? तो मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, बी आपका सही है। 20 है कि मेजर बटन 1857 में किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे? ये कोटा के थे, जहां पर 1857 की क्रांति के दौरान यानी 15 अक्टूबर 1857 को इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला है कि केलापानी एक तीर्थ स्थल है कहां पर? ये राजस्थान के बांसवाड़ा में आता है। 22 है कि शाही जामा मस्जिद जो कि बारा जिले में स्थित है किसके टाइम पर इसका निर्माण हुआ था? इनका निर्माण जिंदा पीर यानी औरंगजेब के टाइम पर करवाया गया था। 23 है कि दिल्ली के लाल किले के तर्ज पर कौन सा राजस्थान का किला बना हुआ है? तो नारगढ़, नारगढ़ 2 है राजस्थान में, ये 12 वाला है। अगला है कि बजरंग पशु मेला कहां पर बढ़ता है? तो बाड़मेर में बढ़ता है और भरतपुर में भी बढ़ता है, दोनों ही सही है, तो डी कर दीजिए इसका कि ए और सी दोनों सही है। अगला है कि मौर्य शासकों के बारे में विचार करना है, 4 शासक है अशोक, दशरथ, बृहदत्त और कुणाल, इनमें से किसकी उपाधि देवनाम प्रिय थी? अशोक की तो थी आपको याद है, अशोक के अलावा दशरथ की भी रही थी, ये तो 1 और 2
यानी सी इसका सही आंसर होगा। सभी से कि चंद्रगुप्त गौर्य और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन से, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन से पक्षी के चित्र उत्कीर्ण थे, तो गरुड़ का चित्र मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और समुद्रगुप्त जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो जरा यहाँ पर कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा था। अपने शिलालेखों में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले पूर्व मध्यकालीन राजवंशों में से किसने किया था, तो चंदेल वंश के शासकों ने सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। जैसे कि बंगाल में वैष्णव धर्म का संस्थापक कौन माना जाता है, तो चैतन्य जी को मानते हैं, डी आपका सही है। 29 है कि अकबर ने किस शक्ति से निपटने हेतु, शक्ति संतुलन बनाने हेतु राजपूतों से सौंदर्यपूर्ण संबंध बनाए थे, तो उज्बेकों से निपटने के लिए बनाए थे। 30 है कि सम्मिलित करना एक साइड में स्मारक है और दूसरी साइड में आपको शासकों के नाम दे रखे हैं, तो कर दीजिए मिलान, क्या हो जाएगा। ओसा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, मुबारक खिलजी ने, पहले में चार आना चाहिए यानी तीन तो कटी हो गया। दूसरा है जमकात खाना मस्जिद किसने बनवाई थी, तो ये बनवाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यानी दूसरे में तीन होना चाहिए, तो ये भी कट हो गया। तीसरा है कि आदिलाबाद का किला किसने बनवाया था, तो मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था, यानी तीन में दो आना चाहिए, तो तीन में दो ये भी कट हो गया। और लाल महल बलबन ने बनवाया था, यानी राइट आंसर आपका एक नंबर। तीस है कि 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल में, तो नरम दल के तो नेता बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो गर्म दल के नेता कौन बने थे, बाल गंगाधर तिलक जी, बी आपका सही है। अगला कि बिहार का गांधी किसको कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को। और 32 में कौन सी सबसे पहली घटना थी जिसमें गांधी जी को ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोगी से असहयोगी यानी विरोधी बना दिया था, तो रोलेट एक्ट की घटना थी, ये कब की घटना है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला कि निम्न में से किस मामले में पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था, और ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में यह निर्णय आया था। 34 है कि नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका में तंजानिया और युगांडा की सीमा पर स्थित विक्टोरिया झील से निकलती है, युगांडा और सूडान और मिस्र में बहकर वो किस में जाकर मिलती है, तो भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। 35 है कि वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी किरणें जो आती है उनसे हमारे जीवन की रक्षा करती है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा, यानी डी आपका सही है। 36 है कि मृदा कटक यानी एस्कर क्या है, ये हिमानी जलोढ़ स्थल रूप है, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि धौलाधर और पीर पंजाल महत्वपूर्ण श्रेणियां है वो कहां पर है, पीर पंजाल है लघु हिमालय में, धौलाधर भी वहीं पर है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लघु हिमालय, यानी सी आपका राइट आंसर है। 38 है कि कच्छ वनस्पति किस क्षेत्र में स्थित है, तो समुद्र तटीय क्षेत्र, सी आपका सही है। चलिए ग्रंथ है और उनका लेखक का नाम दे रखा है, आपको मिलान करना है तो कीजिए। सूरज प्रकाश किसने लिखा था, सूरज प्रकाश है कवि कर्णिदान, पहले में तीन आना चाहिए यानी दो तो डायरेक्ट ही कट हो गए हैं, ठीक है। दूसरा है कि कोल्यमाला उद्योधन सूरी जी ने लिखा था, यानी दूसरे में एक आना चाहिए, तो दूसरे में एक है। तीसरा है रणमल छंद जो लिखा गया था ये किसके द्वारा, तो ये श्रीधर व्यासी, यानी तीन में चार, तो बी इसमें भी कट हो गया, एक कट हो गया, तो राइट आंसर बचा बी, राजरूपक वीर बाण जी का आपको याद है, तो बी आपका सही है। अगला कि दुर्ग है और संस्थापक का नाम बताना है, नाहरगढ़ का निर्माण करवाया था स्वाई जयसिंह ने, पहले में एक आना चाहिए, तो पहला तो कट कर दो। राजगढ़ दुर्ग जो कि अलवर में है, ये प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया है, दूसरे में दो आना चाहिए, तो बी भी कट हो गया। शेरगढ़ धौलपुर का है, ये महादेव ने बनाया था, यानी तीन में चार आना चाहिए, और तीन में चार एक में ही है, तो डी भी कट कर दो, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और आमिर दुर्ग मानसिंह ने निर्माण करवाया था, यानी चार में तीन आ जाएगा। अगला लोहागढ़ दुर्ग जिसको बदपुर का दुर्ग भी कहते हैं, ये महाराजा सूरजमल ने निर्माण करवाया था किस वर्ष, 1733 के दौरान। 42 है कि सभ्यता है और जिले का नाम है, मिलान करना है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, पहले में एक आना चाहिए, यानी पहला कट हो गया। आड़ उदयपुर है, यानी दूसरे में चार आना चाहिए, तो दो नंबर भी कट हो गया। बैराड़ जयपुर है, यानी तीन में दो आना चाहिए, तो तीन में दो इसी में है, तो चार नंबर भी कट कर दो, सी आपका सही है। गणेश्वर है वो सीकर में है, यानी चार में तीन होना चाहिए। अगला कि राज्य में यूरेनियम के भंडार कहां से मिले, तो उमरा से। उमरा कहां पर है, उदयपुर में, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कि बाटुडा का कुआं जिसको रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं, ये कौन से जिले में आता है, तो ये है बाड़मेर जिले में। 45 साइबेरियन सार्स आपको किस अभियान में देखने को मिलते हैं, साइबेरियन सार्स मिलते हैं केलादेव अभियान में, यानी एक आपका सही है।
और फड़ चित्रण के लिए विश्वविख्यात कौन सा चित्र है? फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में तो शाहपुरा की, और शाहपुरा भीलवाड़ा की। कौन सा परिवार ने इसको संरक्षण दिया था, कमेंट करके बता दीजिए। अगला है कि राज्य में पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन किस रियासत में हुआ था? पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी थी शाहपुरा में, एक आपका सही, रामपुरी हवेली, जो कि मुगल, यूरोपीय और हिंदू शैली में बनी हुई है। कहां पर है रामपुरी हवेली? रामपुरी हवेली बीकानेर जिले में आती है। 49 की बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहलाता है बूंदी, यानी बी आपका राइट आंसर। और 50, नवल सागर, फूल सागर, जेत सागर, हिंडोली का तालाब, गुड्डा बांध, ये सारे स्थल कहां, कौन से जिले में आते हैं? तो ये आते हैं बूंदी जिले में। 51 है कि हनुमान जी की दाढ़ी मूछ वाली मूर्ति कहां पर है? तो सालासर हनुमानगढ़ में है, सॉरी सालासर हनुमान जी, जो कि चूरू जिले में आती है। 52 है कि भंडारेज की बावड़िया कौन सी जिले में है? भंडारेज की बावड़िया है दौसा जिले में, यानी बी आपका सही है। 53 है कि दौसा तहसील में गांव है लवाण गांव, क्यों प्रसिद्ध है ये लवाण गांव? ये दरियों के लिए प्रसिद्ध है, तो एक आपका सही है। पहाड़ों की नगरी के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? पहाड़ों की नगरी के नाम से हम डूंगरपुर को जानते हैं, एक आपका सही। और 55 है कि डूंगरपुर में एक थम्बिया महल का निर्माण किसने करवाया था? एक थम्बिया महल का निर्माण किसके द्वारा? शिव सिंह के द्वारा, यानी महारावल शिव सिंह। 56 है कि करौली में मदन मोहन जी के मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो गौड़ीय संप्रदाय का है। गौड़ीय संप्रदाय की पहली शाखा कहां पर आती है? इसको दूसरी शाखा कहते हैं। पहली शाखा कहां पर आती है, कॉमेंट करके बता दीजिए। 57 है कि जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध बता दीजिए। जयपुर का बनारस कहा जाता है गलताजी को, मंकी वेली, उत्तर तोताद्री, यानी एक आपका सही है। 58 है कि स्वर्ण नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को। और 59 राजस्थान में सबसे अंत में बनी रियासत कौन सी है? तो झालावाड़ एकमात्र अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई रियासत, या नवीनतम रियासत कह दीजिए। वर्षा की बूंद हमें गोल देख पाते हैं, वर्षा की बूंदों को गोल के क्यों होती है? क्योंकि स्पष्ट तनाव की वजह से होती है, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और 60 में से कितने सही के कमेंट करके जरूर बता दीजिए। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। राजस्थान